नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट तेजस एम के की तरफ से है रिसेंटली डिफेंस टेक्यूशन काउंसिल की तरफ से 97 तेजस एम के को खरीदने के लिए एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था और इसके लिए डिफेंस टेक्यूशन काउंसिल की तरफ से अभी करीब पैंसठ करोड़ का लोकेट किया जा चुका है अब इस डील में भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ जिन एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है उसमें कोई भी स्पेसिफिक चेंजेस को करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है और टेक्निकली 2021 में जो 83 तेजस वाने के लिए डील को फाइनल किया गया था अभी जो डील 2024 में किया जाएगा यानी कि एडिशनल तेजस को को खरीदा जाएगा उसमें कोई स्पेसिफिकेशन को चेंज नहीं किया जाएगा जिस वजह से अभी एडिशनल तेजस एम के वाने के डील में भी तेजस एम के वाने की यूनिट कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है और इनकी यूनिट कॉस्ट करीब तीन करोड़ के आसपास ही पड़ने वाली है लेकिन अभी इसमें एच की तरफ से भी एक कंडीशन को रखा जा सकता है जिसमें अगर सेकेंड बैच की डील को भी दो के अंदर ही किया जाता है या फिर इनिशियल डील में ऑर्डर तेजस की डिलीवरी शुरू होने के दो साल के अंदर ही सेकेंड बैच के भी ऑर्डर को प्लेस किया जाए तब जाके इंडियन एयरफोर्स को एच सेम प्राइस पर बाकी नाइनटी जेट को डिलीवर कर सकता है लेकिन इसमें जो मेजर चेंजेस होने वाली है वो इसमें, इसमें, इसमें इस्तेमाल होने वाले इंडिजिन कंटेंट को लेके होने वाली और अभी सेकेंड बैच में खरीदे जाने वाले 97 सेवन तेजिस एम के वाने में लगभग 80 के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि अभी पहले ऑर्डर किए गए 83 तेजस एम के वाने में 65 के आसपास इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है अगला अपडेट सुपर सुकोई की तरफ से पिछले कई सालों से हमारी सुकोई को सुपर सुकोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था और रिसेंटली इस प्रोपोजल को डिफेंस एक्शन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया जिसमें दो अलग अलग फेज में हमारी 150 सुखोई को अपग्रेड करने का प्लान किया गया था इसमें से पहले बैच में 84 फोर सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा और अभी इसी के लिए डिफेंस एक्शन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि इस अपग्रेड में भारत फुली इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी सुखोई को अपग्रेड करने का प्लान बना रहा है जिसमें कोई मेजर रशियन हेल्प का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही कोई रशियन सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा कुल मिलाकर इस अपग्रेड के दौरान एस यू थर्टी एम के आई के फिफ्टी वन सिस्टम को या सब सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा और ये सभी फिफ्टी वन सब सिस्टम मेड इन इंडिया सिस्टम होने वाले हैं जिनको रिसेंटली डी आर डी ओ की तरफ से या ए डी की तरफ से डेवलप किया गया इसके अंदर इसमें एक नई ऐसा रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोफेयर सिस्टम आई एस टी सिस्टम और बाकी सभी और कॉकपेड इंस्ट्रूमेंट भी शामिल है अभी बताया जा रहा है कि अप्रूवल मिलने के बाद अभी एच जेल की तरफ से अपने इंजीनियर्स को एस यू को अपग्रेड करने के लिए रियल इंजीनियरिंग वर्क को शुरू करने के लिए कहा जाएगा जिसमें इनिशियली एस यू थर्टी एम के की दो यूनिट को अपग्रेड करना स्टार्ट किया जाएगा बेसिकली इसमें वो इन बाकी सभी सिस्टम को इंटीग्रेट करके सबसे पहले टेस्ट करने वाले और वैलिडेट करने वाले हैं जिसके बाद बाकी बच्चों एट्टी टू सुखों को अपग्रेड किया जाएगा एच के मुताबिक इन सभी सुखों को अपग्रेड करने के लिए हमें तीन साल का टाइम लग सकता है इस दौरान रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी भारत को थोड़ी बहुत मदद की जाएगी क्योंकि अभी तक थर्टी एम के की जितने भी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर किया गया था हमें इनको फर्दर अपग्रेड करने के लिए उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है और हम चाइना की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग ना करके रशिया की परमिशन के साथ इनको अपग्रेड करने वाले और फर्दर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने वाले जिसके बाद एच को उम्मीद है कि हम बाकी सभी एसयू ऑपरेटर्स को भी अपग्रेड पैकेज को ऑफर कर सकते हैं जो कि अभी रशियन एसयू का इस्तेमाल कर रहे हैं अगला अपडेट एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से है पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेके काफी डिबेट चल रहा है ये डिबेट तब शुरू हुआ था जब हमारे नेवी चीफ की तरफ से विक्रांत क्लास की एक और वेल को करने के पक्ष में अपना ओपिनियन दिया था जिसके बाद चाइना की तरफ से भी आग में थोड़ा घी डाल दिया गया था और एन विक्रांत को लेके एक स्टेटमेंट को दे दिया गया था कि आई एन विक्रांत उनकी पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले इतना अच्छा कैरियर नहीं हो और अभी तक इसे फुली ऑपरेशन भी नहीं किया जा सका है तो इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर लगातार डिबेट चलते आ रहे हैं इस बीच हमारे कुछ टॉप डिफेंस साइड की तरफ से भी ये क्लेम किया जाने लगा कि दरअसल इंडियन नेवी को अभी तीन ऑपरेशनल कैरियर को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के बदले चार कैरियर को अपने सर्विस में शामिल करने का कायम रखना चाहिए क्योंकि चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में 20 अलग अलग जगहों में अपनी बेस को बनाने की कोशिश कर रहा है जिसको वो आगे चल के दो के आसपास बना सकते हैं जिसके बाद हमें सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट में और वेस्टर्न फ्रंट में दो कैरियर को रखने के बाद भी इंडियन ओशन रीजन में हमेशा कैरियर को ऑपरेशन रखने की जरूरत पड़ने वाली है जिसे से सपोर्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही एक और, और फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाना चाहिए इस वजह से अभी विक्रांत क्लास की एक और कैरियर को नेवी में इंडक्ट करने के बाद आई विशाल को भी बनाने के लिए प्रोपोजल दिया जा रहा है क्योंकि हमारा पहला सुपर कैरियर होने वाला है जो कि ईमल सिस्टम के साथ आने वाला है अब एन विशाल को बनाने के पीछे एक और मेजर कारण ये भी है कि हमारा जो विक्रमा विक्रमादित्य है ये टेक्निकली एक नई कैरियर नहीं है और इसे जब 2012 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था तो तब इसमें बस 25 साल का ही सर्विस लाइफ बचा हुआ था तो टेक्निकली इसको हम लोग 2038 के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा 2040 के बाद रिटायर करने वाले हैं ये 2040 के आसपास इसको रिटायर करने का समय आ जाएगा तो अगर हमें फ्यूचर में चाइनीज़ नेवी की ताकत को ध्यान में रखना है तो दो के आसपास चाइना के पास मिनिमम पाँच या उससे ज़्यादा ऑपरेशन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद होने वाली है जबकि अभी अगर हम दो नए कैरियर को बनाना शुरू नहीं करते हैं तो 2040 तक हमारे पास बस दो ही कैरियर मौजूद रहेंगे तो इसी वजह से अभी तीन के बदले चार एयक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए सजेशन दिया जा रहा है जिसमें सबसे पहली कैरियर को 2032 तक अपनी सर्विस में शामिल करने का इम रखा जा रहा है जो जो कि हमारा विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है और उसके बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को 2040 से पहले भी नेवी में कमीशन करने का एम रखा जा रहा है जो कि हमारा सुपर कैरियर हो सकता है और ऐसा करने से हम हमेशा तीन ऑपरेशनल कैरियर को ऑपरेट कर पाएंगे तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम